रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है मंगलवार और तारीख 16 जनवरी 2024। आज सुबह घनी धुंध छाई रही, जिससे मंडी में माल की आवक और ग्राहक की दोनों ही लेट शुरू हुई। गूगल वेदर रिपोर्ट के अनुसार कल भी धुंध छाए रहने की संभावना है। फल, सब्जियों व लहसुन प्याज और आलू के बाजार भाव और उठाव की पूरी रिपोर्ट बताएंगे भाइयों इस 8-9 मिनट की वीडियो में। देंगे आपको मंडी के पूरे बाजार की जानकारी। भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, हमारी वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। भाइयों, आज आलू प्याज लहसुन और फल सब्जियों के बाजार भाव की जानकारी एक ही वीडियो में साझा करेंगे। हर दिन करनाल मंडी में शाम को आलू की आवक होती है, लोकल माल की आवक होती है, बोली भी होती है, लेकिन वीरवार की शाम को बोली नहीं होती। किसान भाई उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाए और ज्यादा जानकारी के लिए अपने आरती भाई से संपर्क करें। सबसे पहले जानते हैं आज सब्जियों का बाजार भाव आरती भाई श्री सुमित सचदेवा जी से। भाऊ जी नमस्कार। जी नमस्कार रमेश जी, कैसे हो? बढ़िया भाऊ जी। और भाऊ जी कैसे हो जी? बस ठीक है जी, ठीक है। सर्दी बहुत ज्यादा होगी बाबू जी इस बार तो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धुंध भी ज्यादा बरस रही है। सर्दी बहुत ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा है, हाँ जी। बहुत ज्यादा है, दिक्कत बहुत हो रही है उससे। तो बाबू जी ऐसे में ग्राहकी कुछ असर पड़ रहा है जी? कुछ ग्राहकी कम दिखाई दे रही है जी आज? ग्राहकी का पूरा असर रहता है जी, कुछ खास से प्रेडिक्शन नहीं हो पाती ग्राहकी की। कभी ग्राहक लेट आ रहा है, जल्दी आ रहा है, कभी दो दिन में इकट्ठे आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मंडी में आना मुश्किल ही है जी, आप देख ही सकते हैं खुद ही। बिल्कुल जी बाबू जी, सुबह का है और अंधेरा भी होता है सुबह, और अंधेरा और धुंध दोनों बड़ी दिक्कत करती है। पानी की तरह धुंध बरस रही है जी। हाँ। और जैसे बाइक पे चलने वाले हैं जो खरीदार, उनको तो आने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाइक वाले ही है जी, देखो ज्यादातर बाइक वाले ही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो बाबू जी आज सब्जियों का कैसा बाजार रहा जी, क्या कुछ माहौल रहा आज? माहौल मीडियम है जी, मीडियम चला जी। मीडियम अपने पास हरी मिर्च आई है बाबू जी, इसका क्या बाजार चला जी? हरी मिर्च ये 33-34 रुपए बिकी है जी। 33-34 रुपए जी। और मटर का क्या बाजार चला बाबू जी आज? मटर अर्कल मटर 32 रुपए जी, और पेंसिल मटर 36 रुपए। ये पेंसिल है जी? आगे पड़ा है जी पेंसिल। हाँ जी, ये पेंसिल मटर है जी। और इसके अलावा बाबू जी अपने पास टमाटर आया हुआ जी? टमाटर भाई साहब सुबह बिका था 450 से 470, और अब इस टाइम 400 रुपए में भी कुछ खास और खास नहीं आ गया जी। हाँ, बिक नहीं रहा है अभी भी, 400 रुपए में भी रुका ही हुआ है, माल ओके है। हाँ जी हाँ जी, पर वही बात है कि धीरे धीरे माल भी लेट आए, एक लाट सुबह आया बिक गया, थोड़ा लेट आए रुक गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धुंध की वजह से माल भी लेट आ रहे हैं, गाहक भी थोड़ा सा प्लस माइनस आ रहा है। वैसे साये तो खुले हैं तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ करंट तो है। हाँ जी हाँ जी, पर उससे अलग जो नॉर्मल गाहक उठाता है ना, उसका उठाव थोड़ा कम ही है जी। मतलब साये तो खुले बाबू जी, लेकिन ठंड के प्रभाव से जो आम ग्राहक की है वो अब ढीली है। हाँ, वो तो ढीली ही चल रही थी ना। हाँ तो पहले भी ढीली ही चल रही थी, पर थोड़ा सा वो देखो, एक हफ्ते में मौसम में फर्क पड़ने की उम्मीद है जी। जी जी, थोड़ा जी सा फिर सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। आलू का क्या कुछ बाजार चला बाबू जी आज? आलू भाई साहब पिछले एक महीने से कह लो, एक हफ्ते से कह लो, एक स्टैंड स्टिल प्राइस ही चल रहा है, 250 से लेके अभी तो आज का बाजार माने तो 240 से 270 पड़ेगा। 240 से 270 जी। हाँ, बाजार अभी नए आलू का कुछ ज्यादा उठ नहीं पा रहा बाबू जी। बिल्कुल नहीं उठ पा रहा जी। नए आलू में इस बार आवक ज्यादा बनी हुई है बाबू जी, या फिर ग्राहकी की वजह से नए आलू उठ पा रहा है? दोनों बातें हैं जी, आवक तो है ही है, पहले तो आवक ही है। हाँ जी हाँ जी, आवक अच्छी है, और उम्मीद थी थोड़ा सा कि साई खुलने पे थोड़ा सा करंट आएगा ऊपर की तरफ, फिलहाल नहीं आया। बाकी फिलहाल आया नहीं जी। हाँ, फिलहाल नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज आपने सब्जियों के बारे में हमारे दर्शकों के साथ विस्तार से जानकारी साझा की। नाम नंबर और फर्म का नाम बाबू जी? हाँ जी, सुमित सचदेवा, रामा फ्रूट एजेंसी, रामा श्यामा फ्रूट एजेंसी,
94162-066-99 94162-098-99। धन्यवाद भाव जी। धन्यवाद। कोई भाई मंडी में फल सब्जियों का आड़त का काम करना चाहता है तो किराए के लिए दुकान खाली है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। प्याज का बाजार भाव आज इस प्रकार से रहा है। प्याज नासिक 23 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो का बाजार चला और प्याज गुजरात भाइयों 23 रुपए से 25 रुपए किलो रहा है। प्याज राजस्थान 21 रुपए से 23 रुपए किलो बढ़िया टॉप माल रहा है। भाइयों लहसुन में आजकल लोकल माल की आवक सिर्फ नाम मात्र रह गई है। लहसुन का बाजार 160 रुपए से 200 प्लस तक चला हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए आरती भाइयों से भी संपर्क कर सकते हैं। बकाया सब्जियों का भाव आज इस प्रकार से है। शिमला मिर्च 20 रुपए से लेकर 22 रुपए किलो, शिमला मिर्च में भी कुछ नरमी नजर आई। फूल गोभी का बाजार 15 रुपए से 18 रुपए किलो रहा है। बंद गोभी 6 रुपए से लेकर 9 रुपए किलो तक रहा है। धनिया भाइयों आज 30 रुपए से लेकर 37 रुपए किलो तक चला है। पालक का बाजार 20 से 25 रुपए किलो, हरा साग 20 से 25 रुपए किलो, मेथी का बाजार 28 रुपए से लेकर 34 रुपए किलो तक का रहा है। बथुआ 20 रुपए से लेकर 22 रुपए किलो बिका है। पुदीने का भाव 50 से 60 रुपए किलो, नींबू लोकल माल 20 रुपए से 22 रुपए किलो रहा। खीरा पोली हाउस 30 रुपए से लेकर 34 रुपए किलो तक रहा है। कल के मुकाबले आज खीरे में गिरावट रही है। बैंगन 22 रुपए से 24 रुपए किलो, हरी बैंगनी 23 रुपए से 24 रुपए किलो, भिंडी का बाजार 40 से 45 रुपए किलो रहा। मूली भाइयों 5 रुपए से लेकर 12 रुपए किलो क्वालिटी के हिसाब से। सलगम का बाजार 8 रुपए से लेकर 12 रुपए किलो। सकरी में ये माल 16 से 18 रुपए किलो रहा। गाजर का भाव ये माल 6 से 8 रुपए किलो और गाजर में इस क्वालिटी का माल 9 रुपए से 11 रुपए किलो रहा है। हरी जुगनी का बाजार 16 से 17 रुपए किलो रहा है। ये हरा लहसुन है जो कि 60 से 65 रुपए किलो बिका है। सिंगरे भाइयों 25 रुपए से 30 रुपए किलो तक चले। चप्पल कद्दू का बाजार आज 20 रुपए से 24 रुपए किलो रहा। चकुंदर 10 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो तक रही है थोक भाव में। मंडी में आज हमारी मुलाकात एक मासाखोर भाई से हुई है, उनसे जानते हैं मंडी में ग्राहकी और मंडी का माहौल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले बाबू जी आपका परिचय चाहेंगे जी। मेरा नाम सुदर्शन है जी। सुदर्शन जी हाँ, सुधांशु के नाम से सब्जी मंडी में लोग जानते हैं जी। सुधांशु के नाम से जानते हैं बाबू जी। ग्राहकी कैसी चली हुई है जी ऐसे माहौल में? देखो सर्दी बहुत ज्यादा बनी हुई है, धुंध भी ज्यादा है और जी त्योहार के दिनों में भी नहीं इस बार ना ये धुंध की सर्दी की वजह से ना ग्राहकी बहुत कम है। सर्दी की वजह से ग्राहकी कम है? ग्राहकी कम है जी। कल तो धूप निकला था, थोड़ा बहुत धूप निकलने के बाद गाहकी चलती है जी जी जी। अब ये सर्दियों में एकदम दिन छोटे होते हैं। हाँ जी हाँ जी। और सौदा जो है पाले की वजह से सौदे भी कम आ रहा है और गाहकी भी कम है, माल की आवक भी कम है, और की आवक भी कम है और गाहक भी कम है, ग्राहक भी कम है। हाँ धन्यवाद सर जी, आपका भी धन्यवाद। फलों का बाजार भाव आज इस प्रकार से है। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 580 से 500 रुपए, नारियल पानी का उठाव कम रहता है आजकल। किन्नू में ये माल 10 रुपए से 12 रुपए किलो रहा और किन्नू में ये माल 15 से 18 रुपए किलो का बाजार। और भाइयों किन्नू में ये टॉप माल 20 रुपए से 22 रुपए किलो तक रहा है। अनानास का भाव 40 से 42 रुपए किलो, केला क्रेट 10 से 12 दर्जन 470 रुपए से 530 रुपए रहा। सेब में ये माल 800 से 850 रुपए डब्बा, एक डब्बे में 14-15 किलो सेब होते हैं, कश्मीरी माल है। अमरूद का बाजार आज 450 रुपए से लेकर 550 रुपए क्रेट रहा है, एक क्रेट में लगभग 20 किलो अमरूद होते हैं। पपीता भाइयों 12 रुपए से लेकर 16 रुपए किलो क्वालिटी के हिसाब से। अनार में ये माल 750 रुपए से 800 रुपए डब्बा रहा है, एक डब्बे में 10 किलो अनार होते हैं। चीकू का बाजार 400 से 520 रुपए डब्बा, एक डब्बे में 10 किलो चीकू होते हैं। अंगूर ये हरे वाला 550 रुपए से 600 रुपए क्रेट रहा है, एक क्रेट में 10 किलो अंगूर होते हैं। अंगूर काला 1050 रुपए से 1100 रुपए क्रेट, ये भी 10 किलो की क्रेट होती है। एप्पल बेर 420 रुपए से 470 रुपए डब्बा, 10 किलो का डब्बा होता है। मंडी में माल की आवक और ग्राहकी ठीक ठाक रही है। पोली खीरा और धनिया का बाजार आज कुछ नीचे रहा। फूल गोभी में आज हल्का सा सुधार रहा। फलों में भाइयों किन्नू और अनार में एक दो रुपए का सुधार नजर आया।
भाइयों यह था आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों का बाजार भाव। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों फल व सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।